अस्सलामुअलैकुम गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप एक कंप्लीट जो बॉडी फिगर है वो बना सकते हैं, एक ड्रेस बना सकते हैं, उसकी बॉडी फिगर के ऊपर आउटलाइन ड्रेस की बना सकते हैं, और हेयर बना सकते हैं, हेयर बनाने के साथ उसके फेस में कलर कर सकते हैं, आईज, आईब्रोज, लिप्स, नोज, कंप्लीटली बॉडी फिगर आप किस तरह से बना सकते हैं। उसमें अपना डिजिटल प्रिंट जो आपने बनाया है, जो आपने अपना टेक्सटाइल प्रिंट बनाया है, उसको ऐड करने के लिए, और इसमें हम किस तरह से मैपिंग कर सकते हैं, इसको एक बेसिक मैपिंग भी बोलते हैं। वो चले आप इस वीडियो को देखें और आई होप कि आपको इस चीज़ की आसानी समझ आएगी। मैंने ये ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए बनाया है, ये बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ हर बंदे को इस चीज़ की समझ आ सके कि हम पेन टूल से किस तरह से बॉडी फिगर बना सकते हैं, पेन टूल से किस तरह से हम बॉडी फिगर को डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ रहिए और इस पूरे ट्यूटोरियल को एंड तक देखिए, और आई होप कि आपको इस वीडियो की समझ आसानी के साथ और बेहतर तरीके से आ जाएगी। तो इसे कंप्लीट करने के बाद आप इसे PNG फॉर्म में सेव कर सकते हैं, JPG फॉर्म में सेव कर सकते हैं, जैसा कि आप चाहें, और अपना डिजिटल प्रिंट इसमें बहुत ही आसानी के साथ जो अपने पैटर्न डिफाइन किया हुआ है, पैटर्न को इसमें किस तरह से आप ऐड कर सकेंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बॉडी फिगर की प्रैक्टिस करवाऊंगा, और जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, उसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इसमें अपना पैटर्न को ऐड कर सकते हैं और मैपिंग कर सकते हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये A3 साइज़ का एक पेज ओपन कर लेना है, और साथ में एक लेयर ले लेनी है, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करना है, तो ऐसे मेन्यू बार आ जाएगा, रोक के प्रेस कर देना है आपने तो एक लेयर ओपन हो जाएगी। हम इस लेयर पे ही काम करेंगे अपना। तो सबसे पहले अब जो मैंने स्केच बनाया है उसको हम इस पे ले आएंगे एडोब फोटोशॉप पे। क्लिक कंट्रोल और टी प्रेस करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद शिफ्ट प्रेस करेंगे और माउस से लेफ़्ट क्लिक करके हम इसे बड़ा कर लेंगे अपनी मर्ज़ी से, जहाँ तक हम इसे करना चाहते हैं, जहाँ पर ये इजीली फिट हो जाए। ये मूव टूल से हम इसे थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, कंट्रोल टी इंटर, मूव टूल हमारे पास पहले से सिलेक्ट है, यहाँ पर ये हमें बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो हम इसे यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे पेन टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद हम लेयर लेंगे, तो पेन टूल से अब हम इसको सारे को ट्रेस लेंगे। ट्रेस ना हमने वो न्यू लेयर के ऊपर है जो हमने लिए। इसको सिंपली ट्रेसने के बाद हम स्ट्रोक पाथ में जाएंगे, फेस को ट्रेसने के बाद स्ट्रोक पाथ पे क्लिक करेंगे और फिर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से डिलीट पाथ कर देंगे, तो हमारा ये जो इतना फेस है वो ट्रेस हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा फेस जो है ये ट्रेस आ जा चुका है। इसी तरह से हम इसकी नेक को, बैक साइड को और कंप्लीट ड्रेस जो है उसे ट्रेस लेंगे पेन टूल से ही। पेन टूल से ट्रेसने का मतलब ये है कि हम इसमें जो है वो इजीली कलर वगैरह कर पाएंगे, और इसमें जो है वो अपने ड्रेस जो हमने पैटर्न बनाया है उसको इसमें फिट कर पाएंगे। और इसको हम अगर ड्रेस फिट नहीं करते तो हम इसको सिंपली PNG में जो है इसको सेव कर लें कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पास एक सिंपल लेयर आउटलाइन बन जाएगी ड्रेस की, तो एक फिगर बन जाएगा जिसमें हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी जो पैटर्न हमने बनाया होगा ड्रेस का उसको इसमें पेस्ट कर पाएंगे, जिसे कि हम आम अल्फाज में मैपिंग भी बोलते हैं।
सो इतने को ट्रेस करने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद स्ट्रोक पाथ पे आ जाएंगे, ओके कर देंगे और डिलीट पाथ कर देंगे। इसको ट्रेस का जो सारा प्रोसेस होगा वो हम पेन टूल से ही करेंगे। और यहाँ पे जो सारा प्रोसेस है वैसे ही है, स्ट्रोक पाथ पे आ जाएंगे, ओके कर देंगे और डिलीट पाथ कर देंगे हम। अब हम पेन टूल से ही इसकी आईब्रोज बनाएंगे, आईज बनाएंगे और नोज और इसके जो लिप्स हैं वो हम पेन टूल से ही बनाएंगे।
यहाँ पर हम बर्न टूल सेलेक्ट करेंगे। बर्न टूल हम इसलिए सेलेक्ट करते हैं कि किसी जगह पर हमने लाइट टून देनी होती है फेस पे, और किसी जगह पे जो होता है हमने डार्क टून देनी होती है। लाइट और डार्क टून देने के लिए हम बर्न टूल का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मैं यहाँ पे जो लाइट टोन दे रहा हूँ, इस पर पिंक शेड देने के लिए हम जो है वो ब्रश टूल का यूज़ करेंगे। रेजर टूल सेलेक्ट करने के बाद जो हम जो एक्स्ट्रा शेड मारे होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं रेजर टूल से, और अगर बाय चांस रेजर टूल के में कोई मिस्टेक हो जाती है हमारी ऐसे, तो हम कंट्रोल जेड से जो इसको अनडू कर सकते हैं इजीली। और यहाँ से हम इसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं रेजर की। तो अब हमारा जो फेस है ये तकरीबन काफ़ी रेडी हो चुका है, और अब हम जो इसके हेयर्स को बना लेते हैं। और इसके लिए हमने ये सेलेक्ट कर लिया ब्रश टूल। ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद हम डिफरेंट किस्म के जो ब्रश हैं उनको सेलेक्ट करेंगे जो कि हेयर को अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो इसकी कैपेसिटी चेंज कर लेते हैं इधर से, और इधर से हम जो अपने पसंद का जो हमें ठीक ब्रश लग रहा है हम उसको चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद हम यहाँ पर कलर कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कंप्लीट जो फिगर पोज है स्टाइल है वो रेडी हो चुका है। इसको हम जेपीजी फॉर्म में सेव कर सकते हैं, इसको पीएनजी फॉर्म में सेव कर सकते हैं हम, और इसमें हम जो इसकी आउटलाइन है इसके ड्रेस की उसमें हम अपना कोई भी जो पैटर्न है उसको हम ऐड कर सकते हैं। इसमें जो हमारा डिजिटल प्रिंट है उसको हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जो हमने टेक्सटाइल प्रिंट बनाया होगा उसको इसमें ऐड कर सकते हैं इसके ड्रेस में, और सिंपली जो बेसिक मैपिंग है वो भी हम इसमें कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। सो इसमें जो हम मैपिंग करेंगे अपना डिजिटल प्रिंट जो या टेक्सटाइल जो प्रिंट है हमारा उसमें इसको इसमें हम ऐड करेंगे उसको, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।